तो ये क्लास सेवन का हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, जिसका फर्स्ट चैप्टर था डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो हो गया था, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। द फॉलोइंग फोर मेथड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर फाउंड इन नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स में, ऐसे प्लांट जो हरे नहीं होते हैं, उनमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के चार मेथड इन्होंने ये बताया हुआ है। तो पहला है सेप्रोफिट्स। सेप्रोफिट्स द प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफिट्स। ऐसे प्लांट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे प्लांट जो कि अपना खाना डेड यानी कि मृत और डिकेड, सड़े हुए, डिके मतलब होता है सड़ना, तो मृत और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से जो अपना खाना ये बनाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोफिट्स। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स सच एज मशरूम्स एंड सम बैक्टीरिया इज सेप्रोफिटिक। ठीक है, अब इसमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है इस प्रकार के पौधों में, सेप्रोफिट्स में जो न्यूट्रिशन कहा जाता है वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होंगे मशरूम हो गए और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स सच एज मशरूम्स एंड सम बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोबैक्टर इज सेप्रोफिटिक। ये न्यूट्रिशन का टाइप है सेप्रोफिटिक। ठीक है, और वो प्लांट्स हो सेप्रोफिट्स प्लांट्स होते हैं और ये न्यूट्रिशन का टाइप होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, क्योंकि इसमें मृत और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर से ये खाना अपना ये लेते हैं ये पौधे। बिकॉज दे डिराइव दियर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, वही है, दे डिराइव दियर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, द रूट्स ऑफ सेप्रोफिट्स कंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंजाई। अब देखिए, जो सेप्रोफिट्स प्लांट्स होते हैं जैसे कि मशरूम हो गए, ये सब हो गए, ये क्या करते हैं कि इनकी जड़ों में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फंजाई जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं कि जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, सड़े हुए जो जैसे खेतों में आप देखते हो कहीं भी ये मशरूम हो जाता है, तो इनकी जो जड़ों में फंजाई होते हैं, फंजाई करते क्या हैं कि इन डिकेड ऑर्गेनिक मैटर को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है? क्योंकि ये जूस, एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये उस डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देता है, मतलब पूरी तरह से उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो वहीं आगे ये लिखा हुआ है कि फंजाई आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग डेड एंड डिकेड डिकेइंग मैटर। ठीक है, ये फंजाई आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग, ये डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल हैं। किसको? डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड और डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए कैपेबल हैं। द फंजाई प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेज विच कन्वर्ट्स द डेड एंड डिकेइंग मैटर इंटू शुगर विच कैन बी देन यूज एज फूड बाई दिस प्लांट्स। ठीक है, जो कि अब जो ये उन डेड और डिकेइंग मैटर को तो ये शुगर में कन्वर्ट कर दिए, अब इस शुगर को जो ये प्लांट होता है, मशरूम हो गया या अलग अलग तरह के सेप्रोफिट्स प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि खाने की तरह ये यूज़ में ला सकते हैं। फंजाई आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। अब देखिए, यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई। एक है सेप्रोफिट्स जो कि प्लांट है। द प्लांट विच डिराइव दियर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफिट्स। तो सेप्रोफिट्स हमेशा प्लांट का टाइप होता है। एक है सेप्रोफिटिक, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट्स का टाइप है। तो ठीक है, द मोड ऑफ सॉरी न्यूट्रिशन का टाइप है सेप्रोफिट्स प्लांट्स का न्यूट्रिशन होता है सेप्रोफिटिक। ठीक है, ये न्यूट्रिशन का टाइप है। ओके, और फंजाई आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। अब जो फंजाई होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि खाना पहुंचाने में, इन सेप्रोफिट्स के लिए जो खाना ये बनाते हैं फंजाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, ये कहे जाएंगे सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, तो इन सब का, इन तीनों का आपको स्पेलिंग याद करना होगा। इन तीनों को आप दो दो बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ओके, सेकेंड वन है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब देखिए, परजीवी होता है, पैरासाइट्स जो कि दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। तो इसमें लिखा होगा, देखिए, द प्लांट्स विच डिराइव दियर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट्स एंड द एनिमल एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। गेस्ट का मतलब क्या होता है? गेस्ट यानी कि आगंतुक, जैसे होता है ना, कोई आपके यहाँ आता है तो वो कहे जाएंगे गेस्ट, और आप क्या कहे जाते हो? होस्ट। तो इसमें क्या है? द प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो होस्ट से ही लेते हैं कि आप हमें खाना दो। एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ये या तो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं उनसे ये लेते हैं अपना खाना। होस्ट कोई भी हो सकता है ना, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी। ठीक है, तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग पैरासाइट्स कहेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स सच एज कस्कटा अमरबेल
Okay, certain bacteria and fungi is totally parasitic because they derive their food from the bodies of host plants and animals. ठीक है, अब जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और फंजाई होते हैं ये टोटली पैरासिटिक होते हैं क्योंकि ये अपना खाना ठीक है होस्ट से ही ये लेते हैं. ओके, होस्ट की बॉडी से ये लेते हैं. वो होस्ट प्लांट्स भी हो सकता है और एनिमल भी. इसमें लिखा हुआ है कि सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई इज टोटली पैरासिटिक, पूरी तरह से पैरासिटिक होते हैं, पूरी तरह से परजीवी होते हैं. बिकॉज बिकॉज दे डिराइव दियर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये अपना फूड डिराइव किससे करते हैं? डिराइव मतलब लेते हैं, ये याद रखिएगा, बार बार ये वर्ड आ रहा है, डिराइव डिराइव डिराइव. तो डिराइव DERIV, डिराइव दियर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, आगे बढ़ते हैं. द प्लांट्स विच मेक अ पार्ट ऑफ दियर फूड देमसेल्व्स बाई फोटोसिंथेसिस बट डिराइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर मिनरल्स ETC ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट आर कॉल्ड पार्शियल पैरासिटिक. अब देखिए, कुछ प्लांट होते हैं जो कि पूरी तरह से पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि क्या है, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया. लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना तो फोटोसिंथेसिस से ये बना लेते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर और मिनरल के लिए वो होस्ट पे डिपेंड रहते हैं. वो कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम बाकी तो खाना अपना फोटोसिंथेसिस से ये बना लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ आप ही दे दो, जैसे कि पानी हो गया और कुछ मिनरल्स हो गया. ठीक है, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको पार्शियल पैरासिटिक प्लांट बोलेंगे. ठीक है, पार्शियल आंशिक पैरासिटिक, आंशिक परजीवी मतलब पूरी तरह से. पार्शियल क्या, पार्शियल का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से नहीं, आंशिक, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, मतलब उनमें है ये पैरासिटिक गुण. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट्स लाइक मिशल्टो इज पार्शियल पैरासिटिक बिकॉज दे मेक दियर फूड बट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. अब जैसे कि मिशल्टो एक पौधा होता है जो कि पार्शियल पैरासिटिक होता है क्योंकि ये खाना खाना तो अपना ये खुद से ही बना लेता है, लेकिन पानी और मिनरल्स के लिए, खनिज के लिए ये होस्ट प्लांट पे डिपेंड रहता है. ओके, तो अब आते हैं थर्ड वन, इंसेक्टिवोरस. अच्छा, एक और चीज़, अगर आप लोग को इन सब में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो, अगर आपको लगे कि नहीं, अगर हमको ये समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना लिखें, क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है हम सब के लिए कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है. ओके, क्या चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, तो उसको हम लोग दोबारा समझाने का अच्छे से ये कोशिश करेंगे आपको. आप लोग अपना नाम भी लिख दें कमेंट बॉक्स में, ओके, ताकि हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करके आपको समझा सकें. ठीक है, तो थर्ड वन है इंसेक्टिवोरस. दीज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन सो दे कैन मेक दियर ओन फूड. हाउएवर द सॉइल इन विच दे ग्रो इज समटाइम्स डिफिशियंट इन सर्टेन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो इस पर लिखा हुआ इंसेक्टिवोरस क्या करते हैं कि दीज प्लांट्स आर यूजुअली ग्रीन सो दे कैन मेक दियर ओन फूड. ये प्लांट जो होते हैं ये हरे होते हैं, तो ये अपना खाना तो खुद से ये बना लेते हैं. ओके, हाउएवर द सॉइल इन विच दे ग्रो इज समटाइम्स डिफिशियंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये हरे तो होते हैं लेकिन ये जिस जमीन में उगते हैं, ये जिस भूमि पे होते हैं, उसमें उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ कमी होती है न्यूट्रिएंट्स की. ओके, जैसे कि नाइट्रोजन उसमें कम होता होगा. ये पौधे जहाँ पे, ये जो इंसेक्टिवोरस जहाँ पे पाए जाते हैं, वो बाकी तो हरे होते हैं, अपना खाना वाना कुछ हद तक बना रहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होता है पौधों के लिए नाइट्रोजन, वहीं उनमें उस जमीन में नहीं पाए जाते जहाँ ये उगते हैं. ठीक है, इस पर लिखा हुआ है, हाउ एवर द सॉइल इन विच दे ग्रो इज समटाइम्स डिफिशियंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. डिफिशियंट का मतलब क्या होता है? कमी होना. जिस जमीन पे ये उगते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, स्पेशली नाइट्रोजन. हैंस दे नीड टू ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज. तो उनको क्या करना है कि नाइट्रोजन के साथ साथ और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि उनको ज़मीन से नहीं ये मिल पाते. तो जब ज़मीन से नहीं मिलेगा तब तो भैया उनको बाहर से चाहिए. तो इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, ये उस तरह के, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ही बता दूं कि ये जो कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी ये पौधे खा जाते हैं. सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट इन जो पौधे के जो ये नाम लिखे हुए हैं, आप एक बार गूगल कीजिएगा या फिर यूट्यूब पे आप अलग से ये सर्च कीजिएगा, आप देखिएगा कि इन पौधों का ये बनावट ऐसा होता है कि सही में ये कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को ये जिंदा खा जाते हैं. ओके, तो देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स दैट डिराइव सम और मोस्ट ऑफ दियर न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स, मेनली इंसेक्ट्स. लिखा हुआ है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स दैट डिराइव सम और मोस्ट ऑफ दियर न्यूट्रिएंट्स. देखिए फिर से ये डिराइव आ गया. तो डिराइव ये क्या करते हैं, कुछ और अधिक या लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स बाई ट्रैपिंग. ट्रैप का मतलब क्या होता है? जाल में फंसा के. और कंज्यूमिंग एनिमल्स, ठीक है,
कुछ एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट यानी कि उड़ने वाले ये कीड़े मकोड़ों को अपने जाल में फंसा के कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, उससे ये अपने न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं. ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर प्लांट्स दैट डिराइव सम और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मोस्ट ऑफ दियर न्यूट्रिएंट्स बाई ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स मेनली इंसेक्ट्स. सम ऑफ द कॉमन वंस आर द पिचर प्लांट, द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड ड्रोसेरा. ठीक है, आप इन सब का इमेज गूगल पे सर्च कीजिएगा, इन तीनों का. जैसे कौन कौन सा है इसमें, पिचर प्लांट हो गया, द वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया और ड्रोसरा. ये तीनों करते क्या है कि ट्रैप में फंसा लेते हैं वो सभी उड़ने वाले ये कीड़े मकोड़ों को और उनको खा जाते हैं. खाकर ये उन्हीं से अपना ये न्यूट्रिएंट लेते हैं. सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी तक आप छिपकलियों को या फिर अलग जीव जंतुओं को ही खाते पीते ये देखते होंगे, बट ये पहले प्लांट्स हुए हैं ऐसे इंसेक्टिवोरस जो कि कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं जिससे ये अपना न्यूट्रिएंट्स ले मतलब ले सकें. रीज़न इसके पीछे यही है कि ये जिस ज़मीन में उगते हैं पूरी तरह से ये वहाँ से अपना खाना ले नहीं पाते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन कम होता है और भी मिनरल्स वहाँ पे कम पाए जाते हैं. तो इसीलिए मजबूर होकर इनको कीड़े मकोड़ों को खाना पड़ता है. कोई आपसे पूछ भी सकता है कि इंसेक्टिवोरस आखिर कीड़े मकोड़ों को खाते क्यों हैं, तो इसका जवाब यही होगा कि क्योंकि जिस ज़मीन में ये उगते हैं वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स इनको अच्छे से मिलते नहीं हैं. ठीक है, इसीलिए ये कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. तो आप इन पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप और ड्रोसरा को सर्च कर लीजिएगा गूगल पे. अगला है इन द पिचर प्लांट. ये देखिए वीनस फ्लाईट्रैप का ये फोटो भी इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा साफ नहीं है, आप इसको गूगल पे अच्छे से सर्च कर लीजिएगा. लिखा हुआ है इन द पिचर प्लांट द लीफ इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ ट्यूबुलर पिचर लाइक स्ट्रक्चर. द इनसाइड ऑफ द पिचर इज लाइंड विथ डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर. इसमें क्या होता है कि एक पिचर प्लांट होता है वो ट्यूब के स्ट्रक्चर का होता है, उसमें ढक्कन टाइप होता है. उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ अंदर की तरफ कुछ हल्के हल्के रेशनुमा बाल होते हैं उसमें, वो जिनका जो फेस होता है ना वो अंदर के साइड में होता है वो बाल, कि अगर कोई कीड़ा फंस भी गया तो वो बाहर भी निकलना चाहे तो वो बाहर निकल ही नहीं पाता है, वो फिर उसको अपने अंदर में ही उसको ये मतलब खींचता जाता है उसको. लिखा हुआ है द इनसाइड ऑफ द पिचर इज लाइंड विथ डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर. दीज हेयर डू नॉट अलाउ एनी इंसेक्ट टू क्लाइंब बैक अप एंड एस्केप. मतलब द इनसाइड ऑफ द पिचर इज लाइंड विथ डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर. डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर, डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है कि नीचे के साइड जो पौधा होता है उसके नीचे के साइड पॉइंट किए हुए जो हेयर होते हैं वो, उसकी वजह से अगर कोई गलती से कोई कीड़ा मकोड़ा इसमें फंस भी गया, अगर वो चाहे कि हम दोबारा छलांग लगा के बाहर आ जाए तो वो नहीं आ पाता है, क्योंकि ये उसी में ये जो पॉइंटिंग ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर होते हैं इसी में फंस के वो रह जाता है और फिर नीचे खींच लेते हैं इसको सब. ठीक है, द फ्लड एट द बॉटम ऑफ द पिचर कंटेन्स डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट. अब जब नीचे खिंचाएगा तो उसमें कुछ ऐसा तरल पदार्थ होता है, फ्लूड होता है जो कि उसको डाइजेस्ट कर लेता है, जो ये होते हैं जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें होता है. डाइजेस्ट करके फिर वो एज अ न्यूट्रिएंट्स वो इसको अपने यूटिलाइज कर लेते हैं इन इंसेक्ट्स को. द ट्रैप ऑफ द वीनस फ्लाई ट्रैप इज हाईली मॉडिफाइड लीफ. ठीक है, सॉरी इसमें कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है. तो इन सब का काम लगभग वैसे ही है. ठीक है, ये ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके कंज्यूम कर लेते हैं सारे ये पौधों को. फोर्थ वन इज सिम्बायोसिस. द टू डिफरेंट प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोंट्स. सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीविता. ठीक है, अब आपके लिए नया वर्ड होगा ये, लेकिन अगर दो प्लांट होते हैं इसमें दो लोग होते हैं, इमेजिन कीजिए कि दो लोग होते हैं, एक को रहने के लिए घर नहीं है और एक के पास खाना नहीं है. ओके, तो अगर ए जाता है बी के यहाँ, वो कहता है कि हमें रहने दो, ठीक है मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, तो बी कहता है कि ठीक है हम तुमको रहने देंगे अपने घर में, लेकिन तुमको उसके बदले में हमें बना के खिलाना होगा. ठीक है, तो ए कहता है कि ठीक है यार चलो हम तुमको खाना ये बना के अच्छे से ही खिलाएंगे, तुम हमको खाली एक आश्रय यहाँ पे ये दे दो. तो बोले ठीक है. तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, ये ईच अदर के सिम्बायोंट्स हो गए, ये ईच अदर के सहजीवी बोले जाएंगे. सहजीवी यानी कि एक दूसरे पे ये डिपेंड्स हैं, सिम्बायोंट्स होंगे एक दूसरे पे, ए और बी एक दूसरे पे सिम्बायोंट्स हो गए. ओके, एक दूसरे के. तो स्टार्टिंग से पढ़िए, द टू डिफरेंट प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज अ पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोंट्स.
ठीक है, द टू डिफरेंट प्लांट्स लिव टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ द सेम प्लांट. ओके, दो अलग अलग प्लांट होते हैं जो कि एक साथ रहते हैं, एक ही प्लांट की तरह, मतलब एक ही प्लांट की तरह, सेम प्लांट, एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोन्स. सच रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इस तरह का रिश्ता जिसमें कि इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें कि दोनों प्लांट एक दूसरे की मदद करते हैं, इसको हम लोग कहेंगे सिम्बायोसिस, यानी कि सहजीविता. ओके, और ये एक दूसरे के क्या ये कहलाएंगे, सहजीवी. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन लाइकेंस इज सिम्बायोटिक. अब जो ये लाइकेन नाम का ये प्लांट है, लाइकेंस जो होते हैं, इसमें जो न्यूट्रिशन का जो ये प्रकार होता है वो सिम्बायोटिक प्रकार का होता है. और लाइकेन इज मेड अप ऑफ फंगस एंड एंड अलगाई लिविंग टुगेदर. इसमें क्या होता है कि फंगस और अलगाई इसमें एक साथ रहते हैं. लाइकेंस आर एन एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट ग्रीन अलगाई. ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या ये लिखा हुआ है कि ये लाइकेंस एक अच्छा इसका एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का. इसमें क्या होता है कि फंगस होता है और एक ग्रीन प्लांट होता है अलगाई, ये दोनों के एसोसिएशन से ही लाइकेंस का ही निर्माण होता है. द फंगस ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अलगाई एंड द फंगस इन टर्न प्रोवाइड शेल्टर टू अलगाई. तो अलगाई यानी कि जैसे कि ए और बी का मैंने एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे अलगाई रोल प्ले कर रहा है ए का और फंगस प्ले कर रहा है बी का. तो जो अलगाई है वो क्या कर रहा है कि इसको खाना खिला रहा है और फंगस इसको रहने के लिए शेल्टर दे रहा है, यानी कि जगह दे रहा है रहने के लिए, सो दैट इट कैन ग्रो इन हार्श कंडीशन लाइक रॉक सर्फेसेस वेयर इट वुड अदरवाइज नॉट सर्वाइव. बट तो इसमें ये है कि ये किसी भी कंडीशन में ये उग सकते हैं. समझ में आ गया सिम्बायोसिस यानी कि सहजीविता. स्टार्टिंग से देखिए, द टू डिफरेंट प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज अ पार्ट्स ऑफ द सेम प्लांट एंड म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स. दो ऐसे प्लांट जो कि एक साथ रहते हैं, सेम प्लांट का, ओके, सेम प्लांट के पार्ट का, एक प्लांट का पार्ट बन के ये दोनों प्लांट्स रहते हैं. ओके, और इसमें ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे की मदद करते हैं. ठीक है, जैसे कि मतलब एक होता है ना कि गिव एंड टेक वाला इसमें इनमें ये रिलेशन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सहजीविता यानी कि सिम्बायोसिस. और इनकी इस रिलेशनशिप ये एक दूसरे के सिम्बायोन्ट्स कहे जाएंगे यानी कि सहजीवी. ठीक है, सच रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअली हेल्पिंग ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. इस तरह का जो ये रिलेशनशिप है इनका, इसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं यानी कि सहजीविता. आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको. सिम्बायोट्स सिम्बायोन्ट्स और सिम्बायोसिस में डिफरेंस है, वो क्या है कि सिम्बायोन्ट्स ये जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं ये एक दूसरे के सिम्बायोन्ट्स होते हैं यानी कि सहजीवी, क्योंकि ये गिव एंड टेक का रिलेशन अपने में रखते हैं, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर रखते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के सिम्बायोन्ट्स होते हैं. और इनका जो रिलेशनशिप है म्यूचुअली हेल्पिंग का, ओके, तो इसको हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं. ठीक है, अब अगला टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिशेड इन द सॉयल. ठीक है, अब इसमें यह है कि देखिए, सॉयल पे जब भी हम लोग खेती करते हैं, खेती जब हम लोग जब हमारी फसल कटती है, तो उसके बाद की जो ये मिट्टी होती है वो काफ़ी, मतलब वो क्या कहते हैं, उसमें उर्वरा शक्ति बहुत कम हो जाती है. रीज़न ये होता है कि उसमें से नाइट्रोजन कम हो जाता है, और किसी भी पौधे के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, ये तीन चार ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि आवश्यक होते हैं किसी भी पौधे के ग्रोथ के लिए. ओके, तो अब इसमें यही ये पूछ रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस कैसे ज़मीन में, सॉइल में आते हैं. ठीक है, तो इसको कहानी की तरह आप एकदम समझ लीजिएगा, जैसे कि इससे पहले हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि ये भी एक तरह का सिम्बायोसिस नेचर, यहाँ पे आप सिम्बायोसिस रिलेशनशिप यहाँ पे आप बोल सकते हैं, उसका भी एक एग्जाम्पल हो सकता है ये कि एक जैसे कि नाइट्रोजन कम हो जाता है, तो ये जो पौधे होते हैं जैसे कि मटर हो गया, दाल हो गया, इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, उस वो बैक्टीरिया करता है क्या है कि वो एक नाइट्रोजन को जो कि हवा में है, जो कि एनवायरनमेंट में जो हमारा नाइट्रोजन है, उसको लेके वापस ज़मीन में लाता है. बस इतना आप लोग समझ जाइए अच्छे से, है ना. तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. ओके, वो करता क्या है कि वो मटर और जितने ये दलहन होते हैं जैसे चना हो गया, इन सब ये जड़ों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, और
वातावरण के नाइट्रोजन को कंज्यूम करके वो वापस सॉयल में लेके आता है, जिसको वापस ये जो पौधे होते हैं वो अपने एज ए न्यूट्रिशन उसको एज ए न्यूट्रिएंट्स उसको अपने लिए अपने यूटिलाइजेशन में उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। मिनरल सॉल्ट्स आर द फूड ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो मिनरल सॉल्ट होते हैं वो प्लांट्स के लिए फूड की तरह होते हैं। एज वी नो दैट द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो मिनरल न्यूट्रिएंट और पानी सॉयल से लेते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज नो डिप देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉयल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैन ओके मैन्योर कंटेन्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ओके, तो इसमें होता यह है कि जब भी जैसे कि जो पौधे अपना खाना बनाते हैं या फिर जो पौधे ये ग्रोथ में अपना सारा नाइट्रोजन और मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो ये ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जमीन जमीन में भूमि में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ओके, तो दिस नीडेड बाय द प्लांट ऑफ फॉर हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ओके, नॉर्मली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ सॉरी नॉर्मली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। ओके, आफ्टर हार्वेस्टिंग द सॉयल बिकम्स डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। इसमें होता है कि क्रॉप्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन प्रोटीन को ये बनाने के लिए उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद जैसे ही हम लोग खेत जो हम लोग काटते हैं, जो फसल कटने के बाद जो सॉयल होता है उसमें से नाइट्रोजन की बहुत कमी हो जाती है। लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन लगभग लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस गेट डिजॉल्व इन द रेन वाटर। ठीक है, तो आपको तो ये मालूम है कि वायुमंडल में या फिर जो हमारा एनवायरनमेंट है इसमें लगभग 78% जो नाइट्रोजन है। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस गेट डिजॉल्व इन द रेन वाटर एंड एब्जॉर्ब बाई द रूट्स ऑफ प्लांट्स बिकॉज दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म। तो कुछ तो नाइट्रोजन क्या होते हैं जो हवा में है, वो तो डायरेक्टली प्लांट्स उनको ले नहीं सकते, लेकिन जो बारिश के पानी से वो क्या होते हैं कि जो हवा के जो नाइट्रोजन होते हैं वो वापस ज़मीन में आ जाते हैं बारिश के पानी में घुल के और सोल्यूबल फॉर्म में आ जाते हैं जिनको प्लांट्स लेते हैं। ओके, लेकिन एक बैक्टीरिया भी होता है जो कि इन जो हवा के जो नाइट्रोजन होते हैं इसको ज़मीन में लाने का काम करता है। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सोल्यूबल फॉर्म ऑल्सो। तो बस रेन वाटर ही नहीं, एक राइजोबियम बैक्टीरिया भी इनको सोल्यूबल फॉर्म में, इस नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट लिव्स इन द रूट्स ऑफ पीस, ग्राम एंड मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूमस एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो राइजोबियम क्या होता है कि फिर वही बात होगी कि अपना खाना खुद से नहीं ये बना सकता, इसीलिए ये मटर और चने के जड़ों में पाया जाता है। तो कहता है कि भैया आप लोग हमें खाना दो और हम लोग आपको हम आपको उसके बदले में नाइट्रोजन देंगे। हमारा काम है कि हम नाइट्रोजन कैसे लेके आएंगे, आप बस हमें मेरा खाना आप दो। मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि दाल्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स। ठीक है, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ठीक है, दस दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दिस एसोसिएशन इज़ वेरी यूजफुल टू द फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए ये एसोसिएशन बहुत ही यूजफुल होता है कि बैक्टीरिया डिपेंडेंट है इन पौधों पे यानी कि दाल्स पे, जैसे कि चना का हो गया, बीन्स हो गया, मूंग हो गया, फिर से मटर हो गया, है ना, और उसके बदले में ये इनको नाइट्रोजन देता है। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अभी इसमें देखिए मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉयल। ठीक है, ये कहानी की तरह इसको आप लोग पढ़िएगा एकदम अच्छे से। और ये जो टाइप्स हैं, चार मेथड्स हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स के, न्यूट्रिशन के, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि सेप्रोफिट्स।